नमस्कार दोस्तों, तो आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपस्टॉक्स का अकाउंट कैसे ओपन करेंगे और वो भी 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जैसे कि आजकल आप देख रहे हो ज़ेरोधा के साथ काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, काफ़ी हैंग होता है उनका सिस्टम और बहुत दिक्कत हो रही है उनको, सर्वर में बहुत दिक्कत रहती है, SL ट्रेड नहीं होते टाइम से और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आप ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं। तो आई थिंक अभी अपस्टॉक्स बहुत स्मूथ चल रहा है और चार्टिंग भी इसकी अच्छी है, काफ़ी अच्छे चार्ट्स प्रोवाइड कराता है हमें। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अकाउंट कैसे खोलना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, ठीक है, जैसे कि आपका पैन कार्ड का फ़ोटो लगा सकते हैं आप, एक सिग्नेचर किसी कागज़ पे करके उसका फ़ोटो लगा सकते हैं आप, और उसके बाद में एक इनकम प्रूफ लगाना होता है जिसमें आप 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, फॉर्म 16, RTI, अगर RTR आपने फाइल किया तो वो सब लगा सकते हैं आप। तो चलिए आगे प्रोसीड करता हूँ। ये आप ध्यान रखिएगा, आप इस लिंक से अगर ओपन करते हैं अकाउंट को तो आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि मेरा एक प्रीमियम ग्रुप है जिसमें मैं कॉल्स पोस्ट करता हूँ इक्विटीज कमोडिटीज़ में, तो उन कॉल्स पे आप ट्रेड करके डेफिनेटली अच्छे एनालाइज्ड कॉल होते हैं तो अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो अगर आप मेरे इस रेफरेंस से अकाउंट खोलेंगे, इस लिंक से अकाउंट खोलेंगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट वो मिलेगा मिलेगा, ठीक है। आपको कोई पैसा नहीं देना उसके लिए, आप फ्री में लाइफ टाइम के लिए उसमें ऐड हो जाएंगे। तो उसके बाद आपको क्या करना है, लिंक ओपन करने के बाद में आपको ओपन एन अकाउंट पर जाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपसे ये कुछ डिटेल्स मांगेगा, जैसे कि मेल आईडी, यहाँ पे कोई मेल आईडी आ रही है बट मेरे को खोलना है, अभी जो अकाउंट खोलना है मेरे को, लिए इनके लिए ये अकाउंट खोलना है, ये जगदीश जी के लिए जो कि मेरे फ्रेंड हैं, मित्र हैं। तो यहाँ मैं इनका ये मेल आईडी डाल देता हूँ, उसके बाद मैं एक पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ, आप कोई भी बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, तो मैंने मोबाइल नंबर भी लिख के रखा है ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे अकाउंट ओपन करने में। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे ये नंबर डाल दिया और आपको यहाँ पे ये साइन अप कर देना है, ठीक है। देखिए कुछ समय लग रहा है बिकॉज साइट पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है और मे बी काफ़ी टाइम से साइट खुली हुई है, देखो आगे प्रोसीड हो गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए हमें यहाँ पे कुछ डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी, तो यहाँ पर डालना है मेरे को पिन नंबर, पिन नंबर भी मैंने लिख के रखा है। उसके बाद इनकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है जो कि है 16 मई सेलेक्ट करना है मेरे को, और इनकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट टाइप कर देंगे तो वो आ जाएगा वहाँ पे। यहाँ पे मेरे को 1990 सेलेक्ट करना है इनकी डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद मेरे को यहाँ से नेक्स्ट करना है, उसके बाद मेरे को डालना है इनका आधार नंबर यहाँ पे। तो देखिए मैंने आधार नंबर भी लिख के रखा है, आई थिंक ये आधार नंबर है इनका 3607, ये डायरेक्ट भी डाल सकता हूँ मैं यहाँ से 3607 3607, उसके बाद 1163 1163 7213। ध्यान रखिए कोई भी गलत डिटेल आपको फिल नहीं करनी है। यहाँ नेक्स्ट करना है आपको, अब यहाँ से आपको एक OTP जनरेट करना है जो कि आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर जाएगा। तो अभी देखिए इनका मोबाइल मेरे पास नहीं है, OTP तो अभी नहीं आया है, मे बी सम टाइम्स लग सकता है, 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड या 1 मिनट, तो वेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मे बी आपकी मेल आईडी भी रजिस्टर्ड हो तो उस पर भी ये OTP जाएगा, बट इनका केवल मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो उस पर ही ये गया है। मैंने यहाँ पर OTP भी डाल दिया है, अब यहाँ से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो देखिए इनके पिताजी का नाम आ गया है, पैन कार्ड से पिक कर लिया है, ठीक है। मेरे को इनकी मदर्स का नेम डालना है, अगर नहीं आता है तो आप डाल सकते हैं जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स पे है पैन कार्ड पे, ठीक है। ये इनका एड्रेस है जो कि आधार कार्ड से पिक किया है, मेल हैं ये, ठीक है, और ये पॉलिटिकली एक्सपोज्ड नहीं है, सिंगल हैं। नेक्स्ट कर देता हूँ, मेरे को एक प्लान चुनना है इसमें से, सॉरी इनकी इनकम चुननी है। तो ये इनकी इनकम है 1 से 5 लाख के बीच में, सपोज दैट अगर आप स्टूडेंट हैं या कुछ नहीं करते हैं तो आप लेस देन 1 लाख सेलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। बट इनकी इनकम, इनका ऑक्यूपेशन मेरे को सेलेक्ट करना है, तो ये प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं। नेक्स्ट कर देना है मेरे को, ट्रेडिंग एक्सपीरियंस क्या है इनका, 1 से 2 साल, कुछ भी सेलेक्ट कर दीजिए, ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है। देखिए आप यहाँ पे सारे अकाउंट्स खोल सकते हैं जो भी आप चाहते हैं, लेकिन इनको फ़िलहाल MCX का ही खोलना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे चाहें तो ये सारे भी खोल सकते हैं, ओके, बट ये MCX ही खोल रहे हैं, तो मैं इनका यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ। अगर आपको सारे खोलने हैं तो आप सारे भी खोल सकते हैं, ये इनका देखो चार्जेस पड़ेगा
जो कि मैं भी नेट बैंकिंग के थ्रू यहाँ से पे कर दूँगा। और भी ऑप्शन है वहाँ पे कई सारे, आप जैसे भी आपको सही लगता है पे कर सकते हैं। तो मैं इनको केनरा बैंक के थ्रू पे कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ वीडियो का पार्ट स्किप कर दूँगा सो दैट आप मेरी आईडी पासवर्ड ना देख पाएँ। मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को वेट करना है, ऑटोमेटिक मेरे को ये एक पेज पे ले जाएगा। ठीक है, योर पेमेंट इज सक्सेसफुल। अब मेरे को यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, तो मेरे को यहाँ पे इनका नाम डालना है चेक पे क्या है देख के। तो मैं इनका एक चेक खोल लेता हूँ, जग्गू, जगदीश नाम है, जग्गू मैंने डाल रखा है यहाँ पे, सब सेव कर रखा है मैंने इनके डॉक्यूमेंट्स। तो इनका नाम है यहाँ पे जगदीश एस। इनको आईएफएससी डालना है मेरे को यहाँ पे, देखिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा है आईएफएससी KKBK, उसके बाद 4×0, 1 2 3 4, 4×9×0। इनका अकाउंट नंबर डालना है मेरे को, अकाउंट नंबर है 7411 7411 77611। एक बार मैं इनके ये इससे भी चेक कर लेता हूँ, डिटेल सारी ठीक डाली हैं मैंने। ओके, ठीक डाली हैं। अब उसके बाद में मेरे को यहाँ पे चेक भी अपलोड करना है। ओके, तो मेरे डेस्कटॉप पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है ये जेपी। देखिए यहाँ पे अपलोड हो गया है, मे भी कुछ प्रॉब्लम थी। यहाँ से मेरे को ये सेव करनी डिटेल, उसके बाद मेरे को यहाँ पे आना है इनकम प्रूफ पे। तो मेरे को यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है, तो वो भी मैंने रखा है सिस्टम पे। तो मे बी अगर उसको कोई पासवर्ड है तो आप उसको हटा दीजिए, क्रोम में जाके हटा सकते हैं। बहुत सारे वीडियो हैं यूट्यूब पे कि आपको कैसे हटाना है। ठीक है, ये सेव कर देना है आपको। उसके बाद आपको जाना है सिग्नेचर कॉपी पे, यहाँ पे आपको सिग्नेचर सेलेक्ट करना है इनका। और ये देखिए इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिए, पेन पे जो है वही करना है आपको। ठीक है, अगर आप पहली बार अकाउंट खोल रहे हैं, देखिए अब ये नेक्स्ट का बटन हाईलाइटेड हो गया, यानी हमने सारी डिटेल यहाँ सेव कर दिया, तो हम यहाँ से नेक्स्ट पे जा सकते हैं। देखिए इसमें अब ये है कि आप 20 रुपीज़ पर ट्रेड लेना चाहते हैं या 30 रुपीज़ पर ट्रेड लेना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है कि आपको थोड़ी लिमिट्स ज़्यादा मिल जाएंगी, लेवरेज आपको ज़्यादा मिल जाएगी, कम पैसे से आप ज़्यादा ट्रेड कर पाएंगे, बहुत कम पैसे से। तो आप देख लीजिए आपको कौन सा सही लग रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास अच्छा पैसा रहेगा, आपको ट्रेड भी लिमिटेड ही करना है और आपको बहुत सारे ट्रेड करने हैं कम पैसे में, तो आपको फिर ब्रोकरेज थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो मैं इनका बेसिक प्लान सेलेक्ट कर देता हूँ। ये हमारे जो डिटेल्स हैं, ठीक है, वो सब शो कर रहा है। कोई प्रोमो कोड हो तो आप डाल दीजिए, फ़िलहाल तो कोई नहीं है, सबमिट एप्लीकेशन कर दीजिए। आपको 2 से 3 बार ये सबमिट एप्लीकेशन दबाना है, ये 100 तक नहीं जाएगा, आप देखेंगे ये बीच में स्टॉप हो रहा है। तो दैट मीन्स कि आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो गया है। उसके बाद आपके पास एक कॉल आएगा आप स्टॉक से, जो कि आपसे एक OTP कोड पूछेंगे, आपको एक OTP सेंड करेंगे आपके आधार वाले नंबर पे, तो वो आपको OTP बताना है। ठीक है, सो दैट आपका अकाउंट आगे एक्टिवेट हो पाए। तो अब और इसमें कुछ नहीं है, और मैं आपको एक बार अकाउंट आप खोल लेंगे तो आप आपकी डिटेल मेरे डैशबोर्ड में शो करने लगेगी, दिखा देता हूँ मैं आपको। उसके बाद मैं आपको खुद से आपको इधर से मैं आपको कॉल करके व्हाट्सअप करके मैं आपको वो ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगा, जिससे कि आप मेरे प्रीमियम वाले ग्रुप को ऐड कर पाएँ। ठीक है, जैसे देखिए अभी इनकी डिटेल भी मेरे डैशबोर्ड में शो करने लगेगी। यहाँ पे ये है जगदीश,
तो यहाँ पे ये सारा मेरे को डिटेल आप इनका मिल गया है मेरे को यहाँ पे। और अगर कोई दिक्कत होती है तो नंबर है मेरा स्क्रीन पे, मेरे को आप कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, ठीक है, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। मेल कर सकते हैं, मेल आईडी भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।